सोमवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और दान पुण्य का अति महत्व बताया जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही उज्जैन के सिद्धवट मंदिर और शिप्रा घाट पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण और दान पुण्य करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उज्जैन में पितृ तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। दूर दूर से लोग उज्जैन के सिद्धवट मंदिर, गयाकोटा और रामघाट में तर्पण के लिए आते हैं। इस साल भी पितृ शांति की पूजा पाठ करते हुए भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। भैया, यहाँ मैं रतलाम से आया हूँ। उज्जैन से गुरु जी से बात करी थी, माता जी को श्राद्ध पक्ष में पहली बार ले रहे हैं, तो उनको जहाँ पे भी वो दुनिया में अब वास कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी वो भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनकी शांति के लिए अपन यहाँ आए हैं, और ताकि उनको वो शांति मिलेगी तो अपने घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। इस वजह से अपन यहाँ पे आके थोड़ा सा उनके लिए पिंडदान और ये सब कर रहे हैं। मान्यता है कि सिद्धवट पर माता सीता ने वट वृक्ष लगाया था, जिसकी पितृपक्ष में पूजन अर्चन की जाती है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी उज्जैन में ही किया था। आज अवंतिका तीर्थ में श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होता है और अमावस्या तक श्राद्ध चलता रहता है। तीर्थ में सभी लोग, बाहर के यात्री और तीर्थ के उज्जैन के यात्री, सभी लोग आते हैं पूजन करने के लिए। जो यहाँ पे तर्पण श्राद्ध करते हैं, देव ऋषि मनुष्य यम पित्र का तर्पण होता है, वो पितरों की प्रसन्नता के लिए जलदान और पिंडदान का पूजन होता है, एवं सिद्धवट महाराज को दूध का अर्घ प्रदान किया जाता है। माता शिप्रा की पूजा की जाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है यहाँ तीर्थ में, और सभी ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता से यजमानों के कार्य सिद्ध होने के लिए पूजन करवाते हैं। उज्जैन में सिद्धवट घाट है, राम घाट है, एवं गया कोटा तीर्थ है। गया कोटा तीर्थ पर सप्तऋषि मंदिर है, वहाँ पर सप्तऋषि को दूध का अर्घ प्रदान किया जाता है। राम घाट पर भी पितरों का पूजन किया जाता है और सिद्धवट पर भी पितरों का पूजन किया जाता है। तीर्थ की बड़ी विशेष महिमा है, जहाँ पे श्रद्धालु आके बड़ी श्रद्धा से पूजन करता है और ब्राह्मणों को स्वेच्छा से श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा दे के कार्य सम्पन्न कराता है। पूजन कराने से समस्त पितरों जो असदगति को प्राप्त हुए हैं, जो पितर असदगति को प्राप्त हुए हैं वो सदगति को प्राप्त होते हैं। जो प्रेत योनि में है वो पितर, जो प्रेत योनि को पितर हैं वो जो है सदगति को प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण के लोक में वो प्राप्त होते हैं, पितरों का मोक्ष होता है यहाँ पर। पितर की पूजा करने से, पितर का पूजन करने से तीर्थ में जो है यजमान का जो है मांगलिक कार्य है, संतान होना है, विवाह होना है, और आर्थिक समस्याएं उसकी सब दूर हो जाती है, बड़ा प्रसन्न होकर जाता है। मान्यता है कि उज्जैन में श्राद्ध करने से पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।